you should know how many millimoles I have added. Now, first and foremost thing, you tell me how many millimoles of HCl, how many millimoles of NaOH, how many millimoles of H2SO4, how many millimoles of KOH have been added? जल्दी बताओ HCl की कितने millimoles add करें हम लोगों? What is the formula to calculate millimoles? Guys, what is the formula to calculate millimoles? हम millimoles कैसे calculate करेंगे? So molarity into volume in milliliters. Molarity into volume in ml, right? Now, what is the molarity of HCl I have used here? 0.1. And what is the volume of HCl we have used here in ml? 500. How many millimoles of HCl I would have bought over here? 50. Very good. That is the millimoles of HCl, right? Now I'll just write it down there. Millimoles is nothing but molarity to volume in ml. Now what is the millimoles of NaOH? 50. What is the molarity? What is the millimoles of NaOH? 50. 50. What is the millimoles of H2SO4? 50. 50. Okay. What are the millimoles of KOH? 50. Now just tell me, HCl would have decomposed to form H plus and Cl minus ion. NaOH in water will decompose to form Na plus and OH minus ion. H2SO4 will decompose to form SO4 2 minus plus 2H plus. KOH would decompose to form K plus plus OH minus. Any doubt in that? No, sir. कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नहीं ना सर। बताओ बताओ। एक मॉलिक्यूल कितने आयन्स दे रहा है? एक मॉलिक्यूल HCl का कितने आयन्स दे रहा है H+ के? सर एक। 50 मिलीमोल। Cl- के। अभी कितने आयन्स दे रहा है? सर 50 मिलीमोल। एक एक ही दे रहे हैं। कितने आयंस देंगे? 50. कितने H plus देंगे? 100. Exact. H plus 100 होगा. 100 तो अगर एक मॉलिक्यूल एक और दो देता है तो एक मोल और दो मोल देगा. Agree? Yes sir. 50 millimoles of KOH कितने आयन्स देंगे? 50. 50 and 50. 50. तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास Cl minus के आयन्स आए. I got Cl minus ion, number of millimoles as 50. I got Na plus number of millimoles as 50. I got SO4 2 minus millimoles as 50. I got K plus ion number of millimoles as 50. Now the thing is, I have H plus and OH minus. You tell me, how many millimoles of H plus I would have got? Sir, 50. 50. Yeah, sir, total का निकाल। और यहाँ बन रहा है। तो 50 pencils जा रही है, 100 pencils जा रही है। Total pencils कितने हो? 150. 150. Total number of millimoles कितने हो? 150. Very good. OH minus कितना हुआ? 50. नहीं, 100. अच्छा ऊपर भी है, हाँ 100. 100. मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया था।
हंड्रेड तो क्या मिलेगा अगर मुझे पता है H+ आयन OH- आयन के साथ रेडीली रिएक्ट करके वॉटर बनाता है सो ऑब्वियसली 100 विल रिएक्ट विद 100 नाउ ओवरऑल इन न्यूट्रलाइज इटसेल्फ H+ बचेंगे कितने 50 मिलीमोल अंडरस्टूड सर 50 कैसे बचेंगे बेटा एक बात बता 100 मिलीमोल्स सॉरी 100 मिलीमोल्स ऑफ OH- कितने मिलीमोल्स ऑफ H+ से आप रिएक्ट करेंगे सर 100 100 ना है कितने 150 करे तो अगर 100 में से 100 गए तो बचे कितने H+ 50 बात समझ में आई यस सर सर मैंने एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया था ये आज हम पहली चीज सीख रहे हैं ना हाँ बेटा पहली चीज सीख रहे ओके ओके सर ठीक है हाँ ओके नाउ टेल मी दिस इज द फाइनल काउंट ऑफ नंबर ऑफ मिलीमोल्स यस और नो यस सर वेरी गुड नाउ आई वांट मोलारिटी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी Molarity is number of moles by volume. That is millimoles. So sir, number of millimoles. हाँ तो फिर उसके लिए millimoles by volume and milliliter. Agreed. Yes, sir. Yes, sir. One second. What is the final volume of solution in which these 2000 ml. 2000 ml. 500 लिया. तो total volume कितना हो गया? 2000 इधर 1/40 इधर 1/40 इधर पता है क्या इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जस्ट रिमेंबर आयन्स के केस के अंदर और आयोनिक मॉलिक्यूल्स के केस के अंदर आयन्स के केस के अंदर और आयोनिक मॉलिक्यूल के केस के अंदर हम लोग मोलारिटी को ना फॉर्मैलिटी भी कहते हैं याद है आयोनिक मास को मॉलिक्यूलर मास को हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं याद है करेक्ट यस सर तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला मास कहते हैं तो मोलारिटी आयोनिक कंपाउंड से केस के अंदर और आयन्स के केस के अंदर फॉर्मालिटी भी बोली जाती है तो टेंशन मत लेना फॉर्मालिटी को मोलारिटी ही बोलते हैं अंडरस्टूड यस सर कैन यू रिपीट आई सेड आयोनिक कंपाउंड के केस के अंदर ना जब हम मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला मास बोलते हैं राइट तो मोलारिटी आयोनिक कंपाउंड के केस के अंदर फॉर्मालिटी भी बोली जाती है फॉर्मूला मास से फॉर्मालिटी आता है अंडरस्टूड या तो कुछ नहीं है मोलारिटी ऑफ आयन्स और आयोनिक कंपाउंड को फॉर्मालिटी भी बोला जाता है अंडरस्टूड सर इसको एक बार इसमें फ्रेम करके बताओगे प्रॉपर लिखना फॉर्मालिटी वाले को पहले ये लिख लो क्वेश्चन उसके बाद मैं बताता हूँ है ना सर बस एक मिनट रुक जाइए बोर्ड को रब मत करिएगा हाँ नहीं रब कर रहा हूँ बेटा लिख लो यस सर जैसे आयोनिक कंपाउंड्स में हम लोग फॉर्मूला मास यूनिट वैसे ये वाला भी है ना सेम हाँ आयन्स के लिए ना ये आयन्स के लिए मोलारिटी को फॉर्मालिटी बोलते हैं कोई टेंशन नहीं है
पोलैरिटी को पोलैरिटी बोलो ना आयोनिक कंपाउंड के से। ओके सर। सर हाँ सर जैसे H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके H वाटर बनाते हैं इसलिए उसको काउंट नहीं किया तो वैसे Na प्लस और SO4 माइनस या फिर K प्लस और SO4 2 माइनस नहीं रिएक्ट करेंगे। बेटा एक बात बताओ अगर NaCl को वाटर के अंदर डालूंगा तो क्या Na प्लस और Cl माइनस रिएक्ट करके NaCl बनाता है क्या? जो सॉल्युबल है वो पूरा टूट के आयन्स में मूव करेगा। अंडरस्टूड? सर तो H प्लस और OH माइनस कैसे कंबाइन करते हैं? बेटा एसिड बेस होता है ना रिएक्शन। हाँ सर। हाँ तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एसिड क्या होता है बेस क्या होता है? OH माइनस होता है। हाँ हटाओ इसको अभी। यस सर। यस सर। ओके राइट डाउन इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड और आयन इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड और आयन there exists a formula mass instead of there exists a formula mass instead of molecular mass there exists a formula mass instead of molecular mass and there exists a formula mass instead of molecular mass hence The molarity is replaced by formality in case of ionic compound or ion in case of ionic compound or ion Okay. Now listen. Molality, which is also represented by small m. Getting it? Now, what do you mean by molality? Agar suppose karo. किसी ने बोला तुम्हारे पास 5 मोलर स्मॉल एम NaCl सॉल्यूशन है राइट। मोलालिटी का क्या मतलब होता है?
I have 5 moles of NaCl which are present in 1 kg of solvent, which is water. मतलब 1 किलो पानी के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट अवेलेबल है, बात समझ में आई? मोलारिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है, किसके अंदर? व्हाट आर द यूनिट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट? सर केजी, केजी ग्राम। तो 5 मोलर एनएसीएल सॉल्यूशन का मतलब है I have 5 moles of NaCl in 1 kg of water. Understood? Sir, हम लोग हमेशा solvent water ही लेंगे। हाँ। इधर अगर solution बोला हुआ ना, that I have NaOH solution, H2SO4 solution, so automatically solvent water होगा। Sir, 5 moles। जो लोगों ने solvent specify ना किया हो, हाँ? सर 5 मोल्स NaCl का जो वेट है वो ऑलरेडी 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर है ना? 1 केजी सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं। ओके सर, वही डाउट था। अरे डाउट कैसे हो सकता है, सॉल्यूशन का मास तो अलग होता है ना बेटा। हां सर, तो हमें टोटल मास पहले मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। मैं जब कह रहा हूं 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर है तो 1 किलो पानी के अंदर है, अंडरस्टूड? 1 किलो पानी का मास अलग है और NaCl का मास अलग है। ओके सर। हाँ। Now what is the molality? Number of moles of solute which dissolved in 1 kg of solvent. बात समझ में आई? डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन एक बात बताओ, खुद बताओ, अगर 10 मोल्स सपोज करो मेरे पास 10 मोल HCl के हैं इन 5 kg of water. मेरे पास 10 मोल NaCl के इन 5 kg of water, tell me इसकी molality कितनी होगी, मतलब 1 kg के अंदर कितना? 2m, small m. 2m. 2m. How you calculated it? जब 10 मोल NaCl number of moles के अंदर है, तो 1 kg के अंदर कितना हुआ? 10/5. क्या किया? Molality This is equal to number of moles of solute divided by weight of solvent in kg. Agreed? Yes, sir. So number of moles of solute kitna liya? NB divided by weight of solvent is WA in kg. Which is equal to 10 मोल थे 5 किलो के अंदर, तो टोटल मोलालिटी तुमने बोला 2, एग्री? यस सर, यस सर। तो आई हैव 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, एग्री? यस सर। वेरी गुड। नाउ लिसन, एक बात बताओ, जब मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो सकता है, तो एक बात बताओ, एक मोल में कितने मिलीमोल्स होते हैं? सर 1000। 1000 मिलीमोल्स, एग्री? यस सर। 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। 1000 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ग्राम 1000 से 1000 गया, एग्री? यस सर। 1000 से 1000 गया, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय केजी लिखो या नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय ग्राम लिखो, बात सेम ही है सर? सेम है, एग्जैक्टली। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ
solvent in gram that will be equal to molality. Agree? Yes, sir. Very good. So just copy this down. I'll just rub this after 1 minute. Done, sir. Kar liya. Very good. चले रब दिस वेट ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं ना क्या हाँ 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 सर कोई स्पेसिफिक रीजन है आपने वाटर को H2O की जगह HOH जैसे लिखा है या आदत है आपको बस या और कोई डाउट इसके अंदर गाइस कोई डाउट इसके अंदर नो सर वेरी गुड सर आई लव दिस नाउ यस यस सर 1 मिनट ओके सर हमारी क्लास टाइमिंग्स तो दोपहर में होती है ना 2 o'clock से होती है ना बेटा ये डाउट पहले आ गया हम संडेज को ना मॉर्निंग में रहेगा अच्छा। ताकि तुम इससे बच्चों की तरह सुबह उठ के अटेंड करो यस सर ओके सर अब दिस आज थोड़ा लेट हो गया पता नहीं चला था अब ध्यान रखूंगा सर हाँ बेटा Okay, shall I wrap this now? Yes, sir. सर इन केस ऑफ मोलारिटी हम लोग ब्रैकेट किस पे लगाते हैं मतलब जिसका मोलारिटी निकालना है या फिर एम पे लगाते हैं जिसका लगाना है जिसका निकालना है उसको उस पे निकाल लगाते हैं सपोज लास्ट क्वेश्चन में H प्लस का निकालना था तो H प्लस पे वो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे ना एग्जैक्टली ओके सर ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट H प्लस पे लगाओ सर और मोलालिटी में नहीं होता ब्रैकेट नहीं Okay. Now, listen, I have a question. In that question, you have to find the weight of NaOH which should be added. In 200 gram of water in order to produce two molar NaOH solution. So you have molality, you have weight of solvent. You have to calculate the weight of NaOH, which I suppose to add in that particular water. Sir, 20 grams ho jayega. Okay. Dekhte hain. Thoda socho, uske baad baat karte hain. Do molar ka matlab kya hota? Sir, 16 gram hoga. अच्छा दो हाँ सर मुझे भी भैया दो मोलर मतलब डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट हाँ वो ठीक है बट दो मोलर का मतलब क्या हुआ सर 1 kg में 2 moles है तो 200 grams में 2/5 तो 0.4 हो जाएगा moles हाँ
और फिर 0.4 मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर अच्छा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास तो मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास राइट यस सर सर 0.40 हो जाएगा अरे सुनो ना तो इतना लंबा क्यों कर रहे हो दो मोल कितने होते हैं एनर्जी कितने ग्राम होते हैं सर 80 ग्राम होते हैं ना 80 ग्राम यस सर तो अगर 80 ग्राम एक किलो में है तो 200 अच्छा ठीक एक किलो के अंदर मतलब 1000 ग्राम में तो 1000 ग्राम में 80 ग्राम है तो 100 ग्राम में कितने हुए सर 8 ग्राम में कितने हुए 16 ग्राम Understood? Sir, can you repeat? Yes, sir. Sir, आप धीरे से एक बार लिख के बता सकते हो हाँ बेटा सब बताऊंगा पहले सुन तो लो सर वापस बताओ ना एक बार पहले सुनो हाँ सुनो मैंने कहा कि अगर 2 moles NaOH के एक किलो वाटर में है तो मतलब 2 moles का क्या मतलब वो कितने ग्राम हुए सर 80 ग्राम 80 ग्राम हुए तो 80 ग्राम हमारे एक किलो में एक किलो मतलब 1000 ग्राम राइट अब 1000 ग्राम के अंदर अगर 80 ग्राम है तो 100 ग्राम के अंदर कितने हुए 8 ग्राम तो 200 ग्राम में कितने हुए 16 ग्राम राइट कि 200 ग्राम पानी के अंदर 2 मोलर एनएच सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ एनएच होंगे ये तो पूछा Yes, sir. अब सुनो फॉर्मूला बेस मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट weight of solvent in kg so molality दे रखा है 2 weight निकालना है x molecular mass NaOH का 40 and weight कितना दे रखा है solvent का sir 0.2 kg weight of solvent is 200 grams will be equal to 0.2 kg because I would take weight of solvent in kg so it will be like 0.2 agreed Yes, sir. इसका वेट कितना आया 2 × 40 × 0.2 × 40 is 8 × 2 is 16 ग्राम एग्री यस सर दैट इज फॉर्मूला बेस अप्रोच अगर मैंने कॉमन सेंस लिया तो 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि मेरे पास 2 moles NaOH के 1 kg वाटर में 2 moles का मतलब हो गया 80 grams इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर 200 ग्राम पानी में कितने होंगे तो अगर 1 ग्राम के अंदर 80/1000 हुए तो 200 ग्राम के अंदर कितने होंगे 80/1000 into 200 that comes out to be 16 agree yes sir yeah so either this or this you'll get the same answer sir ek doubt hai ek minute beta puch lena ha sir agar matlab question mein diya hai ki 2 molar NaOH solution hai to matlab 2 moles of NaOH is dissolved in 1 kg of solvent होगा ना हाँ मतलब 200 ग्राम solvent नहीं होगा नहीं definition के मतलब से ये होगा अगर 1 किलो में इतना है तो 200 ग्राम में कितना होगा ये पूछा है ना मोलालिटी तो तुम किसी भी solution के बना सकते हो 100 ml का भी बना सकते हो 200 ग्राम का 200 ग्राम 100 ग्राम का भी बना सकते हो 200 ग्राम का भी बना सकते हो 300 ग्राम का भी बना सकते हो कोई दिक्कत तो है नहीं राइट Yes, sir. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अगर मैं 1 किलो सॉल्यूशन बनाऊं 5 मोलल का
उसको मैं अगर 10 पार्ट में भी डिवाइड करूं तो मोलालिटी चेंज होगी कि सेम सेम रहेगी जब सॉल्यूट। हाँ तो बस पांच बात खत्म ना, मतलब तुम 1 किलो भी बना सकते हो, 100 ग्राम भी बना सकते हो, 200 ग्राम भी बना सकते हो, राइट? यस सर, एंड सेम विद मोलारिटी ना सर? हाँ सेम विद मोलारिटी। ओके सर। ओके हे शेल आप दिस ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड सर। ये जो आपने जैसे पहले लेक्चर नोट शेयर कर दिए थे 1-4 के, वो आप आगे के भी शेयर कर देंगे क्या? मैं बेटा अभी तुमको पूरा एक पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर आप दिस ना? यस सर। वेरी गुड। वो लेक्चर 5 से आगे वाला रहेगा ना पीडीएफ? हाँ 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 हाँ। सर एक अलग सा डाउट है, अगर जब ऑफलाइन क्लास चालू होगा तो ये जो जितना भी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का कर रहे हैं उसका बुकलेट मिल जाएगा क्या? दे विल बी गिविंग यू मटेरियल। अच्छा स्टार्टिंग से वाला मटेरियल मिल जाएगा ना वापस? सब मिल जाएगा टेंशन मत। ओके सर। ओके व्हाट आई एम सेइंग हियर, कहाँ थे हम लोग? सर क्वेश्चन क्या था पहला वाला कि? चलो एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ सपोज करो आई हैव 2 molar NaOH सॉल्यूशन having density 1.08 gram per ml. Calculate the molality of solute. मैंने क्या पूछा? मेरे पास 2 molar NaOH solution है, उसका density 1.08 gram per ml है solution का, and मुझे ना molality चाहिए। क्या चाहिए? Molality। सॉल्व करो। या सॉल्व करो इसको। एक बात बताओ, 2 molar दो मिनट दो मिनट अरे बेटा 2 molar का मतलब क्या हुआ? सर दो मोल्स ऑफ NaOH इन 1 liter। हाँ तो मतलब एक बात बताओ, तुमको डेटा दे रखा है 2 molar का मतलब होता है यू हैव 2 moles ऑफ NaOH कितने लीटर में डिसॉल्व्ड है? 1। हाँ विच आर डिसॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ व्हाट? किसका 1 liter? किसका? वाटर सॉल्यूशन का। ढंग से बढ़ो, 1 liter किसका? मोलालिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज होता है, मोलालिटी के अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज होता है।
ओके बेटा गुड. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? दो. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वन लीटर. आप सॉल्व करो. सो हो गया सही आंसर. कितना आया? सर दो ही आया. ओके. हाँ सर मुझे भी दो ही आया. वेरी गुड. सारे बच्चे अरे सारे स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं. आई वांट एवरीवन शुड गेट द आंसर. सी वन देन वी हैव सम एंजॉयमेंट फैक्टर. जल्दी जिसका आंसर आ रहा है नीचे वाई लिखते रहो. वाई जो अल्फाबेट होता है. ओके. ओके सर कैसे करेंगे? हाँ बेटा करते हैं. ओके चले स्टार्ट सॉल्विंगे गाइस. ओके या नाउ लिसन टेल मी दे हैव गिवन मी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज 1 लीटर. दे हैव गिवन मी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एज 1.08 ग्राम पर एमएल. इसका यूनिट देखो क्या आया 1.08 ग्राम विच आर प्रेजेंट इन एमएल 1 एमएल. तो 1 एमएल में इतना ग्राम प्रेजेंट है सॉल्यूशन का. तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है जिसको मैं 1000 एमएल लिख रहा हूं. क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यूनिट्स एमएल के अंदर है. तो एक बात बताओ डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम. वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. एग्री? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डेंसिटी. नाउ वेट ऑफ सॉल्यूशन इज एक्स. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ml. शुड बी इक्वल टू 1.08. द मास ऑफ सॉल्यूशन which I will be getting, that is WA plus WB, mass of solution will be equal to 1.08 into 1000, which comes out to be 1080 gram. So weight of solution will come out to be 1080 gram. अब एक बार बताओ जब नंबर ऑफ सॉल्यूट 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट? 80 सर. NaOH है, मॉलिक्यूलर मास 40 है. 1 मोल का 40 है, 2 मोल का 80. अंडरस्टूड? यस सर. वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस 80 इज इक्वल टू 1080. सो व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट आई गॉट हियर? 1000 grams. Molality ka formula kya hota hai? Number of moles of solute. Number of moles of solute are weight by mass of solvent in kg. What is the number of moles? Two. Weight kitna nikla solvent ka kg? 1 kg. One kg. So divided by 1. Kitna answer aaya? 2 molal. बात समझ में आई? हमें यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व इट? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? या आई एक्सप्लेन इट अगेन, नॉट अ बिग इशू. आस्क इट, आई विल एक्सप्लेन इट, नॉट अ बिग इशू. ठीक है यार देखो मुझे ना मोलालिटी कैलकुलेट करना. तो मोलालिटी के लिए ना मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए
और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी के अंदर। दे क्या रखा है, दो मोलर सॉल्यूशन। दो मोलर का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स दो है और जहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक लीटर है। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है ग्राम पर एमएल में, तो मतलब अगर मैं वॉल्यूम एमएल में यूज करूं तो जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा। तो मैंने क्या किया, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। डेंसिटी सॉल्यूशन का है तो ये भी सॉल्यूशन का वेट होगा, ये भी वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है एक लीटर, दैट इज 1000 ml। सॉल्यूशन का वेट x ग्राम मान लेते हैं, तो x बाय 1000 इज इक्वल टू 1.08। तो x की वैल्यू आ गई 1080 ग्राम। अगर x की वैल्यू 1080 ग्राम आ गई तो मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन 1080 ग्राम है। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1080 ग्राम, देन वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट should be equal to 1080 gram. The thing is, I want weight of solvent. I have to calculate weight of solute. Now, 2 moles of solute are given to me. So, weight of solute will be equal to number of moles into molecular mass. Number of moles into molecular mass kya 80 grams aaya. So, mere paas NaOH 80 grams hai. Agar NaOH 80 grams hai, to solvent kitna gram hoga? So, that will be equal to total mass of solution minus mass of solute will become mass of solvent. That is 1000 grams I got. A mass of solvent 1000 grams mila mere ko, to 1 kilo aa gaya. So mere paas number of moles of solute bhi hai, mere paas mass of solvent kg mein bhi hai. So molality kya hota hai, number of moles by weight of solvent in kg, that is 2 by 1 answer. Understood? Beta, understood? Yes, sir. मैं एक और देता हूँ, पहले इसको लिख लो, है ना? सर एक डाउट है बेटा, पूछो। सर पहले तो ये बताइए, जैसे वाटर के केस में 1 kg is equal to 1 liter रहता ना, ऑलमोस्ट ऐसे इक्वल रहता ना कि 1 kg ऑफ वाटर 1 liter ऑफ वाटर के जितना ही रहता है। हाँ तो सर हमने 2 mole देखो, ये ना ये 4 degree Celsius पे ट्रू है, हम जनरली सारे टेम्परेचर मैक्सिमल डेंसिटी पे। हाँ ये 4 degree Celsius पे ट्रू है, हम इसको ऑल टेम्परेचर पे ले लेते हैं, ठीक है? यस सर। तो ये बच्चों वाला मेथड जो पहले बताया जाता कि अप्रोक्सीमेशन ऐसा ले लो। हाँ सर। बट अभी जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना तुमको, उसके अंदर इस लेवल के क्वेश्चन बहुत कम होंगे, उसके अंदर तुमको खुद निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल डेंसिटी सॉल्वेंट की कितनी आएगी। ओके सर, ठीक है, पहले हटाऊं सर? हाँ हाँ सर बिल्कुल हटा दो। वेरी गाइस, चलिए अब दिस। यस सर, यस सर। अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। यस सर, हाँ सर। ओके नाउ लेट्स से आई हैव टू मोलर CaCl2 सॉल्यूशन। Having density of
1.022 ग्राम पर एमएल ओमेगा 2 मोलर कैपिटल एम. कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. Go by definition, get the answer. Cl का मास 35.5 ले रहा है या 35 लेना है? Cl का मास 35.5 लेना solve it properly. Okay, we'll check it out. Aditi, देखते हैं. Yes, sir. सर जो वेट ऑफ सॉल्यूट जो रहेगा वो हम लोग कौन से यूनिट में लेंगे? क्या बेटा? जो CaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कौन से यूनिट में लेंगे? ग्राम में लोगे ना बेटा. एक मोल का मास हमेशा ग्राम में लिया जाता है ना. बाइंग करें आदित्य दोबारा करो. वंश सही है, खुशी एकदम सही है, श्रेयांश बेटर नाइस. आई एम हैप्पी यू अंडरस्टूड. या बेटा 2 पॉइंट चेक करो कैलकुलेशन को दोबारा. या निकाला सर? 2 मिनट. हाँ करो करो, टेक योर टाइम. नहीं आर्दा नहीं, अमित ठीक है, कृष्णा नहीं, पूर्वी ठीक है. कैलकुलेट करो. वैद्य ही नहीं, थोड़ा कैलकुलेट करो, एरर है. हर्षित चेक करो क्या कर रहे हो, गलत है थोड़ा. अमित नहीं, थोड़ा चेक करो. या दिव्यांश सही है. हाँ अनन्या फाइन.
हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है, चेक करो, बहुत माइन्यूट है, अभियुक्त नहीं, चेक करो कैलकुलेशन एरर है। नहीं बेटा, या ना दी, या हमें नहीं, हमें इतना नहीं है, चेक करो। शैल वी स्टार्ट? यस सर। यस सर। यस सर। नाउ एवरीवन कॉन्सेंट्रेट हियर। या मैं ठीक है, मेरी बात सुनो, नहीं तो देश चेक करेंगे अभी, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन एरर है। मैं कह रहा हूँ अगर मैंने वॉल्यूम 1 लीटर लिया, 100 ml लिया, 200 ml लिया, 500 ml लिया, तो क्या मोलारिटी और मोलालिटी चेंज होगी क्या? नो सर। पूछ रहा हूँ, हाँ नहीं सर, के बाद क्या मोलारिटी और मोलालिटी चेंज होती है क्या? होती है? नो सर। तो मतलब अगर मैं 1 लीटर ले रहा हूँ, 100 ml भी ले सकता हूँ, 200 ml भी ले सकता हूँ, VML भी ले सकता हूँ, V-liter भी ले सकता हूँ, मेरे लिए बेटर क्या है 1 लीटर लेना ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, गेटिंग इट? I'll go by definition. तो अगर किसी ने बोला 2 मोलर CaCl2, तो मुझे पता लग गया कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना वो 2 मोल्स है। कितने वॉल्यूम के अंदर? 1 ml के अंदर, तो 100 ml के अंदर 0.2 मोल्स निकलेंगे, 2 मोल 1 लीटर के अंदर है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो डेंसिटी है ना सॉल्यूशन का, दैट इज इक्वल टू 1.022 ग्राम पर ml। एक बार बताओ, डेंसिटी सॉल्यूशन का दे रखा है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का दे रखा है, तो मास सॉल्यूशन का कितना आ जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये आ जाएगा 1022 ग्राम। कोई डाउट? तो WA प्लस WB विल बी इक्वल टू इतना। क्या मुझे मॉलिक्यूलर मास बताना है कैल्शियम क्लोराइड का? सर 111 ग्राम, राइट? तो अगर जब नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट? 222 करेक्ट। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बिकम इक्वल टू 1022 - 222, एग्री? यस सर। तो कितना ग्राम आया? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम मोलालिटी कितना निकला? मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? दो डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.8, दैट मींस 20/8 2.5 10/4 2.5। गेटिंग इट? CaCl2 का मास टोटल वो कितना होगा? क्या CaCl2 का टोटल मास कितना होगा? कितने मोल्स है बेटा? 2 मोल्स है। 1 मोल का कितना होता है? 40 + 35.5 × 2 करेंगे ना? हाँ, तो कितना हुआ? 111। अगर 111 होता है, 2 मोल का कितना हुआ? ट्वाइस। हाँ, तो कितना हुआ? अच्छा सर, वो सिर्फ 111 लिया। क्यों लिया जब 2 मोल दे रखे थे तो? ओके सर, समझा? यस सर। बिकॉज 2 मोल्स है ना बेटा, अगर 1 मोल होता तो 111 ग्राम चलता, बट अगर 2 मोल्स हैं तो
तो व्हाट विल डू वेट विल बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट दैट विल कम नो 2 to 2 यस सर या नाउ लिसन आई एग्री इतना हो गया चलो अब दिस यस सर वेरी गुड Now we'll do another types of concentration term. Sir. Sir. Very good. JE means JE Advanced NEET. के अंदर यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो भी हम कर रहे हैं अगर इसमें थोड़ा बहुत कमांड आ गया तो लाइक 4 marks ओवरऑल पूरे हो गए Again, listen, after this what? Mole fraction. पहले ना मुझे ये बताओ कि fraction का मतलब क्या होता है? What do you mean by fraction? P by Q form where Q is not equal to 0. समझ में नहीं आया P by Q form में लिखते हैं समझ में नहीं आया सर एक किसी भी सब्सटेंस में कितने पार्ट्स हैं किसी चीज के नहीं समझ में नहीं समझ में आया मैं number of moles divided by total number of moles मैंने mole fraction नहीं पूछा मैंने क्या पूछा तो fraction मतलब कि कोई एक part पूरे whole में से मतलब like one में से एक part अच्छा out of one तुमने क्या बोला out of one मतलब हम क्या करते हैं पूरी चीज को एक लेते हैं करेक्ट यस सर आउट ऑफ वन ठीक है हम बोलते हैं कि कितना पार्ट है आउट ऑफ होल जिसने लिखा था एक डेफिनेशन सही लिखा था कौन सा रेशियो ऑफ पार्ट टू द होल आना ठीक है नाउ लिसन रेशियो ऑफ पार्ट टू द होल का मतलब क्या हुआ सपोज करो मेरे पास एक क्या पसंद है सर पिज़्ज़ा हाँ लो पिज़्ज़ा ना अंडरस्टैंड दैट द थिंग इज दिस पिज़्ज़ा हैज सर्टेन मास मैंने क्या किया इस पिज्जा को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ठीक है तुमको लगे ना लगे इक्वल पार्ट बट इक्वल पार्ट्स है सपोज करो अगर एक पिज्जा को मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पार्ट में डिवाइड किया जस्ट टेल मी कि एक जो पार्ट है इसका वो टोटल का कितना होगा सर 1/8 1/8 राइट
टोटल एक पार्ट से और वन हो गया, तो वन बाई एट कितना हो गया? 0.125. तो फ्रैक्शन क्या होगा? 0.125 आउट ऑफ वन, मतलब ये जो पार्ट है ये 0.125 है आउट ऑफ टोटल, नहीं टोटल क्या माना वन आउट ऑफ वन, ये देंगे. अगर मैं वेट का फ्रैक्शन पूछूं तो वेट ऑफ इसका फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? अगर मैं पूरे का वेट W ले लूं, इसका वेट क्या हो जाएगा? W डैश. तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा सर? W डैश बाय W हो जाएगा, वेट ऑफ दैट फ्रैक्शन डिवाइड बाय टोटल वेट, राइट? दैट इज द फ्रैक्शन. अंडरस्टूड? यस सर. वेरी गुड. ये वेट का फ्रैक्शन है, तो वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस डिवाइड बाय टोटल वेट, that is the fraction of that weight. If I say mole fraction, so fraction of moles, so the formula kya hoga? Sir, given number of moles by total moles. Moles of a particular substance divided by? Sir, total number of moles. Total number of moles. Understood? Yes, sir. नीचे NT है वो. हाँ NT है, total number of moles. Suppose करो मेरे पास एक mixture है. इस mixture के अंदर I have A, B, C, D, E, F. इतने components हैं इस mixture के. तो ये mixture A, B, C, D, E, F से बना हुआ है. Right. मैंने बोल दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इज 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी इज 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ई इज 4, और मेक इट 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एफ 3. सो दे आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, number of moles of B, number of moles of C, number of moles of D, E, and F. So I have number of moles given to me. Getting your point? Now understand that if I want to calculate the mole fraction of A, what is the mole fraction of A I will get? Sir, 1 by 15. 1 by 3. 5 by 15. 15, sir. 1 by 3. Let's figure out the number of moles. 5 plus 2 plus 3, 10. 10 plus 5, 15, right? So total yes. number of moles will be equal to number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of C plus number of moles of D plus number of moles of E plus number of moles of F. Agreed? Yes, sir. So yes, mole fraction of A should be NA by NT. Sure? Yes, sir. 5 by 15. Agreed? Yes, sir. Very good. Mole fraction of B कितना आएगा? 2 by 15. Mole fraction of C कितना आएगा? 1 by 15. अरे पूरा लिखो ना. D कितना आएगा? 1 by 15. 1 by 15. अच्छा E कितना आएगा mole fraction? 1 by 15. और मोल फ्रैक्शन और कितना है? 1 by 15. अभी सुनो 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 इसे हटाओ. यस सर. यस Okay. Now understand that summation of mole fraction of all the components I, where I changes from A to कितना है F. तो उसको क्या बोलेंगे? Chi A, Chi B, Chi C, Chi D, Chi E, Chi F. Agree?
यस सर। तो सारे कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन लिया जाए, सबका फ्रैक्शन लिया जाए, तो आंसर क्या आएगा? वन आएगा। प्लस 2/15 प्लस 3/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 प्लस 3/15 दैट कम्स आउट टू बी 15/15 दैट इज ऑब्वियसली जब सारे फ्रैक्शंस को मिला दोगे तो नेट क्या आता है? तुमने कहा ना आउट ऑफ वन पिज्जा के सारे फ्रैक्शंस को मिला दूंगा तो नेट पिज्जा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। हाँ अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? नहीं। नो सर। वेरी गुड। शेयर अब दिस? यस सर। लिख लिया तो आपने? यस सर। हटाओ सर जस्ट अ मिनट। सर इधर आई क्या डिनोट करता है? क्या आई? क्या आई क्या डिनोट करता है? आई आई लेटर आई। अरे यार आई इज अ वेरिएबल, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ ए से एफ तक। समीशन डाला ना तो पहले आई को ए डालूंगा, फिर आई को बी डालूंगा, फिर आई को सी डालूंगा, तब तक डालूंगा जब तक एफ नहीं आ जाता। वो नहीं सर, फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूँ। मैं एक्स मतलब काय आय इज इक्वल टू नंबर ऑफ वो आय क्या है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ आई है बेटा। आई कैन बी एनीथिंग, आई कैन बी एनीथिंग। मैं ए लिख देता हूँ इधर, कोई दिक्कत क्या है? एक वेरिएबल है बस। Getting a point, ये मोल फ्रैक्शन का कोई प्रॉपर डेफिनेशन है क्या? इस मोल फ्रैक्शन का कोई प्रॉपर डेफिनेशन कुछ है, होता है? मोल फ्रैक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन तो ये होगा, इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट इन अ गिवन मिक्सचर। Fraction of moles of one component in a given mixture is mole fraction. अच्छा सर, जैसे आपने पहले एग्जाम्पल में 1/8 को 0.125/1 किया था, वैसे इधर भी हम लोग को 5/15 और इन सबको डिनोमिनेटर 1 करना है क्या? कर सकते हो, फर्क क्या? करोगे, ऑब्वियसली करोगे। जब आंसर दे रखा होगा वैसे, देखो डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्टिव के अंदर सर देखते हैं एक और बार बोलेंगे 1/5 दे रखा है तो ऑब्वियसली तुम ऐसे करोगे, राइट? यस सर। तो उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़े बच्चे हो गए, कुछ भी आ सकता है। हाँ सर बिल्कुल। हाँ सर डेफिनेशन एक बार बोलिए ना। हाँ राइट डाउन मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन इज अ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट is a fraction of moles of a particular constituent in a given mixture. In a given mixture. सर इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोल सकते? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट? यस सर। हाँ वही तो मोल फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स का मतलब ही तो यही हुआ ना। हाँ सर। हाँ तो शेलर अब दिस सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन होगा। हाँ बेटा, क्योंकि सॉल्यूशन तो ABCDEF आ गया ना, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? सबके मोल्स मिला लो। हो गया? यस सर।
हटाऊं इसको? यस, वेरी गुड। नाउ लिसन, एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, मजा आएगा। Now they have given me mole fraction of NaOH in NaOH solution is 0.02. Then what they are saying, calculate molality of NaOH solution. बेटा अगर डेफिनेशन से नहीं गए ना तो समझ जाओ कि नहीं होगा। सर कैन यू रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड? किसका भी क्वेश्चन रिपीट करना है कि उसके बाद जो बोला? उसके बाद जो बोला मैंने, बोला डेफिनेशन से नहीं गए ना तो नहीं होगा। एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ क्या होता है? सर आउट ऑफ सॉल्यूशन होता है। आउट ऑफ सॉल्यूशन, शैल आई से आउट ऑफ वन? फ्रैक्शन है ना। ओके सर। यस सर। मैंने क्या बोला? आउट ऑफ वन। गेटिंग इट बेटा? समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। हाँ तो किसके इक्वल होगा आउट ऑफ? आउट ऑफ वन। वन तो एक बार बताओ, मैं बोल लेता हूँ, लेट्स से टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने मालूम है सॉल्यूशन के? टोटल नंबर ऑफ मोल्स वन मालूम? सर वन मालूम? यस सर। मैं हाँ सर एच भी ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट में एक्स कट जाएगा, बट मैं क्या ले रहा हूँ? वन। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स वन दिए तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने होंगे? 0.02। यही होगा सॉल्यूशन है ना NaOH का। NaOH का सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन के अंदर NaOH भी है और सर वाटर भी है। वाटर भी है ना, NaOH भी है और वाटर भी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे सर? 99.98। वन माइनस 0.02 बेटा। सर आंसर 1.88 होएंगे ना? कितना है? 0.98। किसी भी बच्चे को इसके अंदर डाउट है मुझे बस ये बताओ, बाकी बाद में देखा है। नो सर, नो डाउट। श्योर? किसी को भी इसके अंदर कोई डाउट है सर? हाँ सर, अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है तो हम हमेशा वन ही सपोज करेंगे। मैंने क्या कहा, तुम एक्स भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ओके, मैं एक से भी करके दिखाऊंगा, पहले वन से कर लेते हैं ना। फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ वन, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या ले लिया? वन। अंडरस्टैंड?
ताकि मेरी लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाए, राइट? हाँ, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनएएच क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? यस सर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 0.98. देखो बताओ व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर सर? 18. 18. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.98. कितना वेट होगा वाटर का? 0.98 into 18. Very good. Understood? Grams, kg, yes. Sir, gram. Sir, gram. Grams, gram. Acha, so what is weight of water in kgs? Weight is so into 10 to the power minus 3. Yeah. Right? Yes, sir. So what is molality formula? Sir, number of moles upon weight of solvent in kgs. Kitna hai number of moles of solute? Sir, 0.02. Solvent kitna hai? 0.98 into 18 and numerator mein into 1000 ho jayega, sir. Agree? Yes, sir. ये हो गया 49 से आया, राइट? ये आएगा 55.5, 49 से ये गया 65.1 सर. हाँ, 1.13 कुछ आ रहा है सर. 1.11 के अप्रॉक्स आएगा बेटा. सर वो 18 क्यों लिए बेटा? मॉलिक्यूलर मास 18 है इनटू 18. सर 1.13 आ रहा है. 1.13 आ रहा है. ये ठीक है? यस. बस खत्म. सर मैंने थोड़ा अलग वे से किया. अभी मेरे को सेम, हाँ मेरे को है ना, मैंने ऐसा किया कि 2 मोल्स है NaOH, तो 100 मोल्स ऑफ वाटर विल बी देयर, तो इसलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, तो बाद में मुझे 1.8 केजी ऑफ वाटर आ रहा है और 2 मोल्स है, तो उसके हिसाब से 1.11 आ रहा है. तुमने चाहे 100 मोल्स लिए है, चाहे 1 मोल लिया है, चाहे x मोल्स लिया है, चाहे कोई भी मोल्स लिए है, ये सब सेम आएगा. यही ब्यूटी है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का. ऑब्वियसली अगर 1 मोल सॉल्यूशन है टोटल या 100 मोल सॉल्यूशन है, क्या कंपोनेंट चेंज होते हैं? क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट चेंज होता है क्या जब सॉल्यूशन को डिवाइड करो या फिर ऐड करो सेम सॉल्यूशन को? तो क्या मोल फ्रैक्शन चेंज होगा क्या? अगर आप टोटल मोल्स 2 लेते हैं तो वो मोल्स ऑफ NaOH 0.04 होगा ना. ये भी इनटू 2 आ जाता ना. अगर मैं x ले लेता तो यहाँ पे x आता 0.04, यहाँ पे आता 0.98x. हाँ सर. तो फिर अगेन यहाँ पे 0.98x आता, यहाँ पे 0.02x आता, x x से कट जाता, ये आंसर आता, कोई डाउट? No, sir. तो no, मतलब तुम कुछ भी लो कुछ फर्क नहीं पड़ता. अंडरस्टूड? डन? यस सर. यस सर. ग्रेट सर. आप दिस? यस सर. वेरी गुड. नाउ वी डू वन थिंग, वी कंटिन्यू टुमारो. ठीक है? ओके सर. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. या टेक केयर. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, bye. Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye.